अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानशभिभीषण कृपः परशुरामशः सप्तेता चिरजीवन। ये सात चिरंजीवी हैं जिनकी कथा आज से लेकर के हम परसों तक सुनेंगे। आनंद को गढ़ देने वाली कथा होगी। एक छोटी सी सुनाई है कि आज रात्रि को मैं फरीदाबाद आ रहा हूँ और रात्रि की ही मेरी वापसी है। दो जगह मुझे जाना है तो यहाँ की तो सब कथाएं रोज के हिसाब से ही चलेगी। कल भी उसी टाइम से जो आप रोज़ सुन रहे हैं। कल की कथा बहुत अद्भुत है, इसलिए अद्भुत है कि कल की कथा में हमें भगवान व्यास और हनुमान जी महाराज जी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। परसों के दिन विभीषण के लिए इतनी रोचक कथाओं का वर्णन पद्म पुराण अंतर्गत किया गया है। विभीषण की पत्नी जिसका नाम शर्मा है बड़ी धार्मिक है। ऐसी तमाम कथाओं को आप सुनेंगे जिनको सुन सुन करके आनंद हो जाए। 11 तारीख को 8 तक तो यही है, 9 और 10 तारीख को भगवान परशुराम जी की कथा है। दो दिन की कथा के यजमान बनाए जा रहे हैं, यज्ञ होगा और सबसे आनंद की बात है नारायण कवच का पाठ होगा। और आनंद की बात यह है कि 4 आयुध प्रसाद में मिलेंगे। और किसी भी कथा का यजमान बन जाना साधारण बात नहीं है। यदि इसका महत्व न होता तो लोग लाखों रुपया खर्च करके अपने घर कथा क्यों कराते। अक्षा तीज के समय पर इस कथा का यजमान बनने का आप सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सैव राशि के दिन 3150 रुपया। अब इतना भी आपसे न लेंगे तो आपको फिर उसका पुण्य ही क्या मिलेगा। सब कुछ पूरा अनुष्ठान तो इतने में ही है। जो यहाँ स्थानीय लोग आए हैं बाहर से हमें सुन पा रहे हैं, आश्रम के सभी नंबर चालू हैं और आज ही अभी आप आश्रम के नंबरों पर कॉन्टेक्ट संपर्क करते हुए अपना नाम और गोत्र लिखा दीजिए। पैसा जैसे आपसे हो जाए तब जमा कर दीजिए। आश्रम में तो उधारी भी चलती है। अभी भी लोग कोरोना काल के पैसा जमा करा के जा रहे हैं। कोरोना के पैसे अभी 2020 के नर्मदा पुराण कब 2020 में ही हुआ था और वो पैसे आज एक मैया अलीगढ़ से आई है और वो आज जमा। काम के ऊपर अलीगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है पर नई मौका मिला नहीं आ पाई। वो कपड़े में बांधे हुई है, बोलिए कि तब के उसमें एक दो 2000 की नोट रखी हुई थी। उसमें हमने कहा माई जी अब तो ये 2000 का तो चलता नहीं है। बोले हमें तो ध्यान ही नहीं है, ये तो तबई की पोटली बंधी हुई रखी थी तो उसमें 2000 रुपया रखा हुआ है। कहा कोई बात नहीं है, 2000 भी रखे रहो और उसकी हम सेवा से। अब पूछेंगे मैनेजर को कि 2000 की चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। इतनी सी बात मैंने इसलिए कह दी है कि जब आपसे बने तब वो धनराशि अपनी व्यवस्था के अनुसार जमा करते रहिएगा। पैसा तो बाद में भी आ जाएगा लेकिन 2024 की अक्षय तृतीया को परशुराम भगवान की कथा का यजमान बनने का मौका बाद में कहाँ आ पाएगा। तो ऐसा यजन ऐसा यज्ञ ये सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। नाम के साथ गोत्र लिखाइए। आज भी काफ़ी लोग सुबह से शाम तक मैं सबसे मिलता ही रहता हूँ, आप खूब आ रहे हैं। आज हम जिनको ज़रूरत है उनको 5 मुखी 3 मुखी रुद्राक्ष भी दे रहे हैं। सब अपने घर में कौड़ी और अपने घर में गोमती चक्र रखिए। एक दिन मैंने एक वीडियो डाली है, जिनके पास कोई बहुत बड़ा ऋण है, बहुत ज़्यादा कर्जा है, बहुत ज़्यादा, मंगलवार के दिन कौड़ी और गोमती चक्र उसके ऊपर ऐसे 11 बार घुमा करके और उसको पानी में जा करके प्रवाहित कर दो तो उसको कर्जे से निपटारा हो जाएगा। धन वृद्धि के लिए कौड़ी को गोमती चक्र को आप भगवान के सन्मुख चावल कटोरी में रखें, उसमें रख लें या सिंदूर में रखकर एक डिब्बी में उसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए। ये सब चीज़ें, ये जादू टोना टोटका नहीं है, ये सब पुण्यमयी ये चीज़ें, शंख काम की चीज़ें, गोमती चक्र काम की चीज़ें, सीपी ये सब चीज़ें बड़े काम की हैं और इनका अपने आम में बहुत बड़ा प्रभाव है। वो सब चीज़ें यहाँ से आपको मिल रही हैं। एक सूचना देते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, गुरुकुल में बच्चों का एडमिशन हो रहा है। अभी ब्राह्मण बालकों का एडमिशन चल रहा है। यदि 7वीं पास कर लिया है तो 12 वर्ष से उनका एडमिशन, और उन्हीं बच्चों को लेकर के आना जो 7th पास किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ
आठवीं से एडमिशन चालू होता है, आठवीं पास करके आएंगे नौवीं से हो जाएगा, सातवीं पास करके आए होंगे तो आठवीं से उनका एडमिशन होगा। सब खर्चा आश्रम का है, आपका एक रुपया भी लगने वाला नहीं है। हर प्रकार से वेद को बचाना है, वेद की रक्षा करनी है। सोचे बैठे हैं ब्राह्मणों की कमी नहीं आने देंगे, बच्चों को जन्म तुम दो संस्कार हम देंगे। आपके घर में एक बेटा है, दो बेटे हैं, चार बेटे हैं, एक बच्चे को पंडित बना दो, बना दो उसको अत्री, बना दो उसको जमदग्नी। फिर जरूरत है धरती पर गर्गाचार्य की, एक बार गौतम और अगस्त की आवश्यकता इस माटी को द्वारा से, उसकी जरूरत है और उसको ये बनाओ, ये जरूरी है। जितनी भी छत्याणी माताएं मुझे सुन पा रही हैं, एक बेटे को फौजी बना दो, जवान बना दो सिपाही, और उसे बोल दो कि बेटा डंडा दिखा करके ठेली वाले से ना भिंडी लेनी है ना अमरूद लेना है, ये तो डंडा दिखा करके खूब साग सब्जी लेके आ जाते हैं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ज्वेलरी वाले का बच्चा अच्छा निकल जाए भगवान की कृपा है, डॉक्टर का बच्चा अच्छा निकल जाए भगवान की कृपा है, पुलिस वाले का बच्चा अच्छा निकल जाए भगवान की कृपा है, डॉक्टर का बच्चा अच्छा निकल जाए भगवान की कृपा है, और पंडित जी महाराज का बच्चा अच्छा निकल जाए तो ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तालियां कमजोर क्यों बजी हैं? इनका पैसा ज्यादा ठीक नहीं है ना, इसलिए। अब मैंने पंडित जी भी बोल दिया है, इसलिए बुरा तो नहीं लगे किसी को, जो बात है वो तो बिल्कुल हकीकत ही है। ज्वेलरी वाला भी छोड़ता है, माँ भी नाक का फूल बनवाए तो उसमें भी छूटने वाला नहीं है। तो ध्यान एक बार जयकारा बोले बांके बिहारी लाल की। तो मैं छत्राणी माताओं को कहता हूं, एक बेटा ऐसा तैयार कीजिए जिसको सिपाही बना दो, बना दो उसको सैनिक, पहुंच जाए सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए। चार तरह के बेटों की आवश्यकता है, चार तरह के बच्चे थे। एक सेवा करने वाला हो, मम्मी पापा के पास रहे, एक दुकान चलाने वाला हो, व्यापारी हो, एक देश की रक्षा करने वाला हो, एक देवी देवताओं का पूजन करने वाला हो, आनंद हो जाए। ऐसे बच्चों की जरूरत है जो किसान भी हो और जवान भी हो। इसलिए तो हम कहते हैं जय जवान जय किसान, और हमने अपनी संस्कृति में यही तो पढ़ा, इसलिए दो का मैं बड़ा आदर करता हूँ, एक जवान है एक किसान है, उसके हम भगत हैं। जवान है कृष्ण और किसान है बलराम। नंद बाबा के घर में ये दोनों ही बच्चे बड़े अद्भुत हैं, ऐसी संतान की आवश्यकता है। वैश्य माताएं बैठी हैं मुझे सुन पा रही हैं, आपके बच्चे एक हैं चार हैं, बच्चे नौकरी करते हैं ठीक है, लेकिन एक बेटा ऐसा बनाइए जो बहुत बड़ा व्यापारी हो, कारोबारी हो, वस्तुओं में मिलावट ना करे, समाज को अच्छी अच्छी चीजें दे सके। जो हुनर आपके बच्चों को है दुकान करने का, वो किसी और को नहीं। मुझे दुकान पर बैठा देना, एक किलो की जगह पर एक किलो 50 ग्राम तोल के दूंगा, क्योंकि मेरे खून में नहीं है ना इसलिए। और आपका बेटा उसके खून में है, उसके ब्लड में है ये, हाँ, उसके पुरखों की तरफ से उसके ओज में ये आकर के बसा है। दुकान कोई भी खोल के बैठ जाए, लेकिन जो बढ़िया का बेटा चला लेगा और किसी के हिस्से की वो बात नहीं है। तो समाज में इन चार तरह की संतान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो गुरुकुल इस वेद शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपने कार्य में रहते हैं, हर साल सैकड़ों बच्चे आते हैं। अब के बार व्यवस्था ज़्यादा है, गुरुकुल बन गया है तो ज़्यादा एडमिशन हो रहे हैं, पूरा महीना भर एडमिशन चलेंगे। आप भी अपने बच्चों को हिंदी विंदी ठीक ठाक पढ़ लिया करें, ऐसा नहीं किली डंडा खेलते खेलते उसे तुम परेशान हो गए हो तो महाराज के पास पटक करके आ जाए। अच्छा काबिलियत वाला बच्चा लेके आइए, यहाँ से बन करके जाए, उसका एडमिशन कोई भी आपका एक रुपया खर्च होगा नहीं। ये तुमसे पैसा मांगता है तो इसको देना मत, नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं तो ये बिगड़ेगा। जो फोन चलाता है, हमें ऐसे बच्चों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ तो टाइम से नहीं जगेगा तो डंडे भी आचार्यों के पड़ेंगे, कान खींचे जाएंगे, फिर तुम लड़ने को आ जाएंगे, हमारे बच्चे की ठुकाई पिटाई कर दी, तो फिर ऐसे बच्चों का तो एडमिशन होगा ही नहीं। यहाँ से बच्चे कुछ बन करके जाए, यहाँ हर साल बच्चे कितने कथावाचक कर्मकांडी बन करके निकल रहे हैं। 2003 में गुरुकुल की स्थापना की गई थी, 2011 से इसको एक बहुत बड़ा रूप दिया गया, 2024 चल रही है। हमारा विद्यार्थी काले ही था, पढ़ रहे थे तब से इसमें हमारी श्रद्धा है। विद्या पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना दान देना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं, उसमें संलग्न हैं, उसमें लगे हुए हैं। आप जो भी मन बना रहे हैं तो तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ में इस समय एडमिशन चालू हैं, गौशाला में एडमिशन हो रहे हैं, आचार्य मधुसूदन शास्त्री वहाँ बच्चों के एडमिशन कर रहे हैं। तो आप सीधे वहाँ पहुँचकर बच्चे का टेस्ट होगा, एडमिशन हो जाएगा, 1 जुलाई से क्लासें लगेंगी। 10 तारीख को जनेऊ संस्कार हो रहे हैं, तीनों वर्णों के, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, या गोविद संस्कार के लिए पधारे। इन सभी सेवाओं के साथ साथ जो कि मैंने पूर्व में भी आपको आग्रह किया है और अभी भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, इस गौशाला के खर्चे बहुत तगड़े हैं। कल रात्रि को हम गौशाला में घूम रहे थे, आचार्य राममोहन शास्त्री जी बोल रहे थे, महाराज जी यहाँ के ग्वारिया बहुत मेहनत करते हैं, आप तो आश्रम में हूँ, मैं यहाँ देखता हूँ, सुबह 4 बजे से पहले जगते हैं, रात को 10 बजे के बाद में सोते हैं। और सच तो है, हमारे यहाँ का हर आदमी, हर कार्यकर्ता बड़ा अद्भुत है, ये घड़ी लगा करके काम नहीं करते हैं कि इतने घंटे हो गए, और ये सही है, सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि के 10 बजे तक ये ग्वारिया गौ माता की सेवा करते हैं। गौशाला में कहीं भी हाथ का तकिया लगा करके सो जाना, 1 इंच गोबर कहीं भी आपकी देह से नहीं लगेगा, इतना साफ सुथरा। रात्रि को गैया चौड़े मैदान में खा पी के जाती हैं, रात्रि को ही सफाई कर देंगे, रात्रि को ही भोर की सानी लगा देंगे, सुबह 4 बजे गैया अंदर आती हैं और आके चकाचक भोजन करती हैं, 11 बजे फिर हरा चारा उन्हें मिलता है, 500-600 मन कुटी रोजाना कतरी जाती है, 11 बजे वो भोजन, फिर 5 बजे सानी, 2 घंटे में वो खा लेती हैं, 7 बजे फिर चौड़े में खुली आकाश की वायु हवा उन्हें मिलती है, जगह जगह टंकियों में पानी भरा हुआ है, राम राज कर रहे हैं, घोड़े टांगे लंबी करके सोते हैं, 2 नीलगाय और ले आए हैं, ये देख लो नीलगाय, जैसे महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं, देसी गैया से कन्हैया प्रसन्न, हरि प्रसन्न, और नीलगाय से महादेव प्रसन्न, तो हम तो हरि हर को प्रसन्न करने में लगे। 2 नीलगाय ले आए, नीलगाय के सींग से महादेव का अभिषेक हो तो 1 अभिषेक 100-100 अभिषेक के बराबर होता है। वहाँ 2 नीलगाय आई हैं, 1 मादा है 1 नर है, वो दोनों हैं उधर, तो बड़ा आनंद हो रहा है, जब आप उधर जाएं तो उनका भी दर्शन करके आइए, घोड़ों का सों का भी दर्शन करके आइए। शाम को आप जाओगे तो उस समय गैया बाहर चौड़े में होगी, परकोटे के अंदर खुली आकाश में होगी, बड़ा आनंद होता है उस समय दर्शन करने के। यहाँ भी नीचे गौशाला है, यहाँ भी सुगंधा है, एक बछिया है हमारी मंदोदरी, जिसको हम बड़े लाड़ में उसको मनु कहते हैं, बहुत प्यारी है, तुम्हारा कान खा लेगी, इतनी प्यारी है, ये गौवंश बड़ा आनंद दे रहा है। इनके साथ आप जुड़ करके तो देखिए, 4 पुरुषार्थ हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और भगवान इन्हीं 4 पुरुषार्थ की रक्षा के लिए धरती पर उतर के आता है, परमात्मा इन 4 पुरुषार्थ की रक्षा के ही लिए आता है, धर्म ना बिगड़े, अर्थ मिले, गरीबी न रहे, आपकी मनोकामनाएं पूरी हों और अंत में मोक्ष भी मिल जाए, इन 4 की रक्षा के लिए भगवान का आगमन होता है। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इन 4 के लिए, 4 की रक्षा के लिए भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आता है। तो सबसे पहले कौन है विप्र, विप्र क्या है, विप्र धर्म का प्रतीक है, विप्र धर्म का प्रतीक है, ब्राह्मण बचे रहेंगे तो ये धर्म कर्म बना रहेगा, ब्राह्मण गया तो धर्म भी चला गया समझ लीजिए, ना मंदिर होंगे, ना मंदिरों में कोई पूजा करने कराने वाला होगा, ना यज्ञ होगा, ना वेद, ना वेदों का कोई विस्तार करने वाला होगा, ना कोई वेदों को समझाने वाला होगा, तो सब आदमी निशाचर वृत्ति का हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मण का बचना बहुत ज्यादा जरूरी है।
विप्र को साक्षात धर्म कहा गया, धर्म कहा गया। दूसरे नंबर पर है गौ माता अर्थ। गैया की सेवा करोगे, संपत्ति दौड़ती हुई तुम्हारे पास ऐसे आएगी जैसे नदियां समुद्र के पास दौड़ रही हैं। हमारे महात्माओं ने गोवर में लक्ष्मी का दर्शन कर लिया। ये देश में ऐसे बहुत संभ्रांत लोग भी हैं, उनको गोवर में लक्ष्मी दिखाई दी है। गौ माता साक्षात अर्थ का प्रतीक है। जहां गैया रमाएगी आनंद में रहेगी, सत्य यही है, वहां गरीबी नहीं रहेगी। गैया मैया पुरुषार्थ में दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। ये संपदा देने वाली है, ये घी देगी, घी से यज्ञ होंगे, यज्ञ होंगे धन की कमी नहीं आएगी। आप घी की जोत घर में जलाइए, आनंद होता है। घृत से यज्ञ कीजिए, आनंद होगा। और अपने जन्मदिन पर, बच्चों के जन्म पर, आप अपनी शादी विवाह की तिथि पर गौ माता के लिए कुछ विशेष कीजिए, गैया मैया आनंद कर दे। ये वो गाय है जो घर के बांझपन को, नारी के बांझपन को दूर करती है। क्या आपने वो कथा में नहीं सुना, जब उस राजा को संतान नहीं हुई थी, कौन सा राजा था, दिलीप। गुरुजी वशिष्ठ के पास जाके रोया, कहा गुरुजी क्या ये दिया मेरे संग ही बुझ जाएगा, क्या इस वंश को कोई एक दिया नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव ने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू गाय की सेवा कर। वो पति और पत्नी दोनों, राजा दिलीप और उनकी गृहिणी, दोनों गौ माता की सेवा करते हैं। तो गौ मैया की सेवा से एक ऐसा पुत्र चल करके आया जो गंगा जी को ही धरती पर उतार के ले आया, भगीरथ। ये मेरा हृदय की आवाज बोल रही है, जहां गाय के प्रति श्रद्धा होगी वहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आज मेरी व्यासपीठ 4 महीने से जिसने विश्राम नहीं लिया, हजारों लोग पर डे यहाँ भोजन करते हैं, इतना आनंद हो रहा है। सच मानिए, यहाँ गौ माता के चरण में चारों पुरुषार्थ लोट कोट हो रहे हैं, कलामंडी खा रहे हैं, चारों पुरुषार्थ वंदन प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ गौ माता बिल्कुल सिद्ध होकर के बैठी है और मेरे हृदय से आवाज आ रही है, मेरे न होने के बाद भी यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं रुकेंगी, क्योंकि यहाँ की मालकिन स्वयं गौ माता है। यहाँ गौ माता प्रत्यक्ष रूप से बैठी है। और ये जितनी भी कथाएं, ये मेरा कोई पांडित कर्म नहीं है, ये जितनी भी कथाएं, ये सब कुछ हो रहा है वो गौवंश के लिए हो रहा है, गौ माता के लिए हो रहा है। आज पूरा देश उस गौवंश के साथ में जुड़ रहा है। ऐसी गैया मैया सिगरी तो बीमारियों को खत्म कर देती है, लोगों को आयुष देने वाली, उम्र देने वाली। तो ब्राह्मण धर्म का प्रतीक है, गैया धन का प्रतीक है, और देवता आपकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। देवताओं के सामने हाथ जोड़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इससे आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, आपके संकल्प पूरे होते हैं। विप्रधेन सुर। और चौथा है संत गुरु। गुरु के चरणों में हम जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधन टूट जाते हैं। तो इन चारों की रक्षा के लिए भगवान धरती पर आते, इन चार के लिए भगवान धरती पर चल के आया। जीवन में कुछ ऐसे काम करना कि भगवान हमारी देहली पर ऐसे आ जाएं जैसे राजा बलि की देहली पर भगवान चल के आ गए थे। भगवान बामन राजा बलि की देहली पर चल के आए, और भगवान को लाने में गुरु का हमेशा हाथ रहा है, हमेशा। शुक्राचार्य जी भी, उनकी भी कथा आप सुनेंगे। तो अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषणः कृपाः परशुरामस्यः सप्तेता चिरजीवनः। यह कहते कहते मेरा अनाउंस चल रहा था, मैं बोल रहा था कि अपने बच्चे को एडमिशन के लिए, जहाँ निःशुल्क एडमिशन हो रहे हैं गुरुकुल में, और पूरा महीना भर तक चलेंगे, उनका एडमिशन कराइए। घर की पहली रोटी गौ माता को दीजिए, रोज गौ माता को लाड़ कीजिए, इसने कीजिए पूरे साल भर जोखाम भी नहीं होगा। गौ माता को स्पर्श कीजिए। गणेश पुराण में वर्णन है कि गौ माता को एक परिक्रमा लगाने से धरती की 7 परिक्रमा लगाने का तत्काल फल प्राप्त होगा। जगत के कल्याण के लिए
लक्ष्मी मैया गाय बनी, गैया के गोबर में से बेल प्रकट हो गया। बेल पत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि गौ माता के गोबर से प्रकट हुआ है। गौ माता के गोबर का धुआं आपके घर में होता रहे, उसके ऊपर 25 ग्राम घी जलाया है तो घर में टनों ऑक्सीजन बन करके तैयार हुई है। तो 10 तारीख आ रही है, बहुत नजदीक है। एक ऐसे आप कोई भी घर न हो जिसके घर से इस फसल की समय पर गौ माता के लिए भूसा चारे का सहयोग न हुआ हो। आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते हैं तो कुछ तो कर ही सकते हैं, जरूर कीजिए। तुलसी बना आश्रम आप पहुंचते हैं, यहाँ दवाइयाँ वगैरह आप लेने को आते हैं, आप रुद्राक्ष लेने को आते हैं, उसके साथ साथ ये भी भावना हो कि हम गौ माता के लिए कुछ सहयोग करके हम आए। आश्रम की कोई फैक्ट्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है आश्रम ने किराए पर दे रखी है। कोई एक रुपये का भी आश्रम का कोई व्यापार नहीं है। यहाँ तो खुली डायरी, आप सबको पता है कि आश्रम में लोग रहते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता, ना भोजन का पैसा, ना आवास का पैसा कभी भी नहीं लिया गया। और तो कोई ऐसा साइड व्यापार भी नहीं चलता है आश्रम का, एक रुपये का कोई ऐसा धंधा नहीं है। किसी को लगे कि इतना ये सब कुछ होता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं से कोई वाणिज्य व्यापार का काम चालू किया होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हर महीने करोड़ों रुपया खर्च होता है, ये उसी में से खर्च होता है जो आप सहयोग करते हैं, ये सब आपके सहयोग के ऊपर होता है। मैं कहूँगा परम गौ भक्त बनिए, हर महीना क्या पर डे प्रत्येक दिन गौ माता की सेवा में अपने आप को लगाइए, तुम्हारे घर में भगीरथ जैसी औलाद जन्म लेगी। धुंधुकारी आएगा ही नहीं किसी के घर में, सबके घर में गोपाल, सबके घर में राम, सबके घर में अनसुईया, सबके घर में मीराबाई आकर के पैदा होगी। ये गौ माता की कृपा से होगा। गौ माता का तो विस्तार घर घर में प्रचार होना चाहिए। गौ माता का दूध, गौ माता का दुग्ध, उसका दही, उसको प्रयोग में लिया जावे। जब जब आपके जन्मदिन शादी की तिथियां मनाई जाती हैं, होटलों में नहीं गौशालाओं में जाइए, गौशालाओं को बढ़ाइए। वहाँ कुछ समय कुछ देर के लिए वहाँ बैठिए, तीर्थों में भी जाते हैं गौशालाओं में घंटों घंटों बैठ करके, और वहाँ पर आप मंत्र जप कीजिए, देखिए आपके मन के विचार कैसे बदलते हैं, कितना आनंद होता है। तो आज संक्रांति सोमवार बड़ा अद्भुत दिन है, एक दो दिन के बाद में अमावस्या चल के आ रही है, कल 7 तारीख है, मैंने वीडियो डाली है अमावस्या के लिए, बेसबस वीडियो डाली है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, उसको सुन लीजिए। अमावस्या के दिन कोई भी गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, नाम संस्कार, नामकरण, भूमि पूजन, मकान की रजिस्ट्री, दुकान की रजिस्ट्री, भूमि की रजिस्ट्री, कुआ खोदना, तालाब बनवाना, ये कुछ भी नहीं होता अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन ज़्यादातर ऐसे पूर्वजों के लिए, अमावस्या पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए, दान पुण्य उनके लिए, उनके लिए ही ये अमावस्या होती है। वो मैंने बहुत विस्तार पूर्वक उसमें वर्णन किया है, तो वह आप जरूर सुन लेंगे, उसको आप पढ़ लेंगे। तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर भी एक और बड़ी अद्भुत वैशाख महात्म्य की एक वीडियो अक्षय तृतीया की महिमा उसमें है, उसको भी आपको जैसे टाइम मिले उसको भी आप जरूर पढ़ सुन लेना। मुझे जितने भी भक्त लोग सुन पा रहे हैं, बहुत बड़ी व्यवस्था की है आज। उपाहन कहते हैं चरण पादुका। मैं महाभारत में पढ़ रहा था, पिता में भीष्म ने युधिष्ठिर के सामने चरण खड़ाऊओं की कितनी बड़ी महिमा का वर्णन किया। वैशाख के महीने में एक श्रुतसेन नाम के ब्राह्मण ने खड़ाऊओं का दान करके स्वयं भगवान नारायण को अपनी देहली पर बुला लिया। आज ही मैंने पढ़ा है वैशाख महात्म्य में। कल इसी व्यासपीठ से बहुत दानों की चर्चा की जा रही थी वैशाख के महीने में, उसमें मसाले के दान की बात आई, इसलिए कल का दान है मसाले का दान। छोटी सी सेवक राशि है, जो पूरे महीने का सेवक कर रहे हैं उनके लिए अलग से नहीं है, वो उसी में ही है। ऐसी छोटी छोटी सी, मैं तो एक किसी को बोल दूं वो पूरा ट्रक भर करके भेज दे, लेकिन हमें तो आपके हाथ से वो कराना है जिसको तुम कभी सोच भी नहीं सकते।
350 रुपए का सहयोग है, कल का मसाले का दाना शायद 400 रुपए का है, महात्माओं के लिए उपाहन जूते चप्पल खड़ाऊओं का आज का ऐसा, ये आप देख रहे हैं, ये अभी कथा के बाद में ये इनका वितरण होगा। और हम तो भाग्यशाली इसी में ही हैं कि परमात्मा ने इन सब सेवाओं के लिए माध्यम बना दिया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, आज ही की हैं, खूब दिल खोल करके इसमें आप सहयोग कीजिए। गौ माता के गौ अक्षयवृति मेंबर बनिए। गुरुवार के दिन दीक्षा का फिर कार्यक्रम है, कल मंगलवार है, मंगलवार को औषधि बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाती है। कल का दान है वो तो है ही मसाले का, लेकिन हर मंगलवार को मैं आपसे थोड़ी प्रार्थना कर देता हूँ। यहाँ पर डिस्पेंसरी हमारे डॉक्टर साहब के द्वारा मरीजों को देखा जाता है, किसी सेठ से तो उसमें पैसा लेते नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपसे ही ले लेते हैं, कोई इस मंगलवार को कर देता है, कोई अगले मंगलवार को कर देता है, एक महीने में 500 रुपए का एवरेज उनका लग जाता है और 500-500 रुपए से औषधि का काम चलता रहता है, दवाई का काम चलता रहता है। ये हम किसी से कोई पैसा तो लेते नहीं है दवाई का, कि आप ही थोड़ा थोड़ा दे देते हैं तो डायबिटीज की दवाई बन जाती है, उसी में से घुटनों की दवाई बन जाती है, उसी में से अब एक थायराइड की और बना रहे हैं दवाई, अभी तैयार कर देते हैं, क्योंकि अभी मैं 23-24 तारीख तक इधर ही हूँ, इन 23-24 तारीख में बहुत कुछ करना है, तो उसमें कल मंगलवार है, अद्भुत दिन है, और कल दोपहर में ही 11:41 से अमावस्या भी चल के आ जाएगी, तो पितर पूर्वजों के लिए बड़ा अद्भुत दिन है, तो आप अवश्य में भी ये सब कुछ जरूर करते रहिए। पूर्वजों के लिए जो रात्रि को दीपदान करते हैं वो कल करना, ठीक है, जो पर्व की अमावस्या है वीडियो पूरा सुन लेना वो परसों भोर में, क्योंकि उदिता में अमावस्या 8 तारीख को है, 9 तारीख को कुछ भी नहीं है, बहुत लोग मन बना रहे हैं 9 तारीख का, 9 तारीख को कुछ भी नहीं, 7 तारीख को आरम्भ होगी, 8 तारीख को उदिता में है, जितना भी पर्व इत्यादि ब्राह्मण भोजन वाला ये 8 तारीख को है, और पितरों के लिए जो रात जागरण किया जाता है वो कल 7 तारीख को है। मैं आपको कन्फ्यूज नहीं करूँगा, वही बोलूँगा जो पंचांग में जिसका प्रमाण मिलेगा, ठीक है, हमारी बहुत बातों का लोग इंतज़ार करते रहते हैं, तो इस तरीके से ही आप कल आश्रम की तरफ से भी दीपदान कल रात्रि को, और जो तर्पण है श्राद्ध है, तर्पण है श्राद्ध ये सब 8 तारीख को है, प्रातः का स्नान है, अमावस्या का तो पर्व का स्नान होता है, तर्पण होते हैं उस दिन, उसमें ब्राह्मण भोजन होते हैं, ये सब 8 तारीख को है। आश्रम भी आपके पूर्वजों के लिए ये सब कुछ कराएगा, क्योंकि बड़ी अमावस्या बैसाख की मावस को बड़ी मावस के नाम से जाना जाता है। अभी हम आने वाले दिनों में जितने भी पूर्णिमा के व्रत, यदि किसी ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया, ये सब मैं आपको भगवत कृपा से ये कथा में बताने वाला हूँ, और उस कथा को सुनकर आप 32 पूर्णिमा किए बिना रहेंगे ही नहीं, आप कहोगे महाराज जी धन्यवाद आपने बहुत अच्छा सुना दिया। उसके बाद में फिर मैं कुछ अमावस्या की भी चर्चा आपसे करूँगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मैं एक बार रोज आपको सहयोग के लिए तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। परसों के दिन तीसरी मंजिल पर फिर एक छत डलने वाली है, एक बार जाके देखिए तो सही, जैसे सफ़ेद पुट्टी घरों में बिल्डिंगों में होती है, ऐसे सफ़ेद पुट्टी वाइट पुट्टी चल रही है गौशाला में, उसके ऊपर फिर कलर डाला जाएगा, अः गैया आनंद गद्दा पर आनंद ले रही होगी, ऐसे ऐसे सुंदर सिंकचे उसमें झकोरे बनाए गए जिसमें से मीठी मीठी हवा आएगी, गैया मैया रौंद करेगी आनंद मनावेगी, उसका आशीर्वाद आपको देगी। इस गौशाला में सबके घर से ईंट लगनी चाहिए, सबके घर से सीमेंट लगना चाहिए, सबके घर से एक एक पंखा, हजारों पंखे लग रहे हैं इसमें, आप अपने घर में एसी लगाए हैं, कूलर लगाए हैं बड़े वाले, तो भी गर्मी में परेशान हो रहे हैं, झुलस रहे हैं, अरे भैया एक एक पंखा गौ माता को 1,500 रुपये का सहयोग है, इस गौशाला में लगवा दो, पूरा ट्रक दिल्ली से भर के आ रहा है पंखों का, क्योंकि वो सब बन करके पूरा तैयार हो गया। अब के बार जब आप आएंगे इसमें गोपाष्टमी पर तो ये कहोगे ये क्या से क्या बन गया है, अब के बार जहाँ गोदान होंगे वो परसब दूसरा बन करके तैयार हुआ है, इतना लंबा चौड़ा है 70-80 फुट ऐसे और 450 फुट ऐसे,
वहां पर उन गायों की नई गाय आई।